दोस्तों हम आपको बता दें कि जया जी लक्ष्मीकांत जी के श्रीमती जी हैं और सुपुत्री हैं राजेश्वरी। अब राजेश्वरी जी का बचपन जाहिर है कि लक्ष्मीकांत जी की गोद में बीता है, तो बहुत सारी उनसे भी बातें करेंगे। और जीवन संगिनी होने के नाते जया जी के क्या क्या अनुभव हैं, शुरुआत जया जी से करते हैं। ये सिलसिला, मैं फैन हूँ, क्या करूँ। यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ, किस चीज का आप फैन हुई, तो मतलब? अरे नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो फैन पहले शंकर जयकिशन की थी जी, मगर इन्होंने उनको ओवरटेक कर लिया। शंकर जयकिशन जी की बात अगर करें तो आप पहले उनके संगीत की बहुत बड़ी फैन, बहुत बड़ी फैन थी। परिवार में और लोग आपके? सब, पूरी फैमिली, भाई बहन सब। तो मेरा क्या था, मैं आपको बताऊं जी, मैं एक पार्टी में गई थी, बिंदु जी में हम लोग सब गए थे पार्टी में, मगर वो पार्टी क्यों थी वो भी बता दे। हाँ, वो उनको दोस्ती में अवार्ड मिला था। अच्छा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को फिल्म फेयर, उसके लिए चंद्रशेखर करके कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जी, उनके यहाँ पार्टी थी। तो मेरी मम्मी के भी अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि दे बोथ वेयर फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, तो हम लोगों को भी बुलाया था। तो हम लोग वहां गए तो पता चले कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आ रहे हैं। मेरी बहन भी थी बिंदु जी, तो वो बहुत स्वीट नेचर की, बहुत मिलनसार, मिलनसार है। तो मैं उसको बोला, खबरदार ये दोनों आने वाले, तू जाके मिलना नहीं। अच्छा, आप मिलना नहीं, ऐसा बोल दिया? मैं बोल दी। तो मुझे बोली कि ऐसा नहीं करने का। मैं बोली नहीं, शंकर किशन के अगेंस्ट इन लोग फिल्म फेयर अवार्ड ले गए। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि वो भी नॉमिनेट हुए थे। तो चंद्रशेखर जी के घर में मैंने बिंदु को रोक लिया, तो मैं उस पे ही नजर रखी थी। अच्छा, कि जाती तो नहीं। मैं यहाँ वहां कहीं गई तो उठ के चली गई बिंदु। अच्छा, और एक रूम में लक्ष्मी जी बैठे थे, तो जाके मिली उनको। अच्छा, तो रात को हम लोग 2-3 बजे तक बैठे। तो फिर हमने उनको बताया कि अभी 3-4 दिन पहले हम लोग शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में गए थे, जो जयकिशन का गाना था, फिल्म थी गबन जी। तो बोले रफी साहब का गाना था और अच्छा था। क्या अच्छा, अच्छा कौन सा गाना था, हम लोग को सुनाइए। तो मैंने बोला ये कितने इनक्विजिटिव, देखो के गाना तुम, हम लोग ने गाया एहसान मेरे दिल पे तुम, अच्छा तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तो वो गाना के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बोलना नहीं चाहिए मेरे को। फिर एक उनका गाना था प्यार बांटते, तो हमने उनको कहा आप लोग ने तो ये गाना कॉपी किया है। अच्छा, आपने कह दिया? मेरी बहने भी थी, मैं बोली आप लोग ने तो ये गाना कॉपी किया है, तो दोनों हंसने लगे। तो उन लोगों को लगा कि इनको कुछ बात है म्यूजिक में, मतलब दे नो व्हाट इज म्यूजिक।